हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं एक अमेजिंग iOS इंस्पायर्ड MIUI थीम, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसी लुकिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। आप चेक करोगे आपको यहां पे डॉक बार भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। आपको ऊपर ऐसा क्लॉक का विजेट भी देखने को मिलेगा, और आप देखोगे जो लॉक स्क्रीन है वो भी यहां पे आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाएगी। ऐसी कुछ एनिमेशन आएगी लॉक स्क्रीन में जब भी आप इसे ओपन करोगे, और आप देखोगे आपको यहां पे जो फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। डबल टैप करोगे AOD मोड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और आप यहाँ पे जब स्वाइप डाउन करोगे आपको स्टैंड बाय मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। और जब आप अपने डिवाइस को यहाँ से चार्जर से कनेक्ट करोगे तो आपको काफी अमेजिंग यहाँ पे एनिमेशन भी देखने को मिलेगी, जो कि आप चेक करोगे। आपको यहाँ पे पहले तो ऐसे स्टैंड बाय मोड में एनिमेशन देखने को मिलेगी, और आपको ये मैगसेफ चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे चेक करोगे आपको कुछ ऐसे यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है। ऊपर आपको यहाँ पे जो नॉच है इसमें भी आपको शो हो जाएगा, यानी जो आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है उसमें भी आपको यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन शो होगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। काफी अमेजिंग आपको थीम देखने को मिलती है। सो अगर आप भी अपने डिवाइस में इस सेटअप को करना चाहते हो तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। काफी अमेजिंग आज की वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस थीम के मैंने काफी फीचर्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको आइकन पैक कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। कैमरा का जो आइकन है वो भी देख सकते हो, कितना कस्टमाइज आपको देखने को मिलता है, काफी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। और आप देखोगे बाकी आइकन कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको कुछ ऐसा क्लॉक का विजेट और यहाँ पे ये जो डायनेमिक आइलैंड है वो भी वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर की बात करूं तो वो आपको यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो मैंने हाइपर ओएस वाला कंट्रोल सेंटर इनेबल किया हुआ है, अगर आप भी अपने डिवाइस में इसे इनेबल करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे एक थंबनेल शो हो रहा है, इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। बट आपको इसके स्टेटस बार में कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको बैटरी का जो आइकन देखने को मिलता है वो iOS जैसा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे HD लिखा हुआ देखने को मिलेगा। सो काफी अमेजिंग है। और आप यहाँ पे देखोगे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, बट जो क्रॉस का आइकन है वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है यहाँ पे, जो कि आप थीम जब ट्राई करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम बार की बात करूँ वो भी नॉर्मली देखने को मिलता है, बट जो सेटिंग्स का UI है वो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हो iOS से इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे अबाउट फोन के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जो NVX थीम जैसे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके क्रिएटर का नेम है थीम के। और जैसे ही आप यहाँ पे MIUI वर्जन पे दोबारा क्लिक करते हो तो आपको देखोगे यहाँ पे भी लुकिंग जो है चेंज देखने को मिल जाएगी। जो आपका MIUI 14 का लोगो है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो थीम है वो यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को यहाँ पे परफेक्टली सपोर्ट करती है। जैसे मैं डार्क मोड में यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे डार्क मोड में भी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लाइट मोड में करूंगा तो लाइट मोड में भी परफेक्टली आपको वर्किंग करती हुई देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं लाइट मोड में कर लेता हूँ तो आप देखोगे लाइट मोड में भी परफेक्टली वर्किंग करती हुई देखने को मिलेगी। अब मैं अपने डिवाइस को यहाँ से कर लेता हूँ नॉर्मल, और आपको दिखाता हूँ आपको इस सेटअप को कैसे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने डिवाइस को यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। तो इस सेटअप को करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, थीम स्टोर पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद अब आपको सर्च बार में एक थीम का नेम सर्च करना है, जो कि आप देख सकते हो आपको लिखना है किटी। किटी लिखने के बाद आपको इसके साथ लिखना होगा UI। जैसे UI लिखोगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देनी होगी। स्पेस देने के बाद अब आपको यहाँ पे V4 लिखना होगा, इसे लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ पे पहली थीम देखने को मिल जाएगी, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 50.7 MB की थीम है, जो इसके क्रिएटर है वो NVX बोस है, सारा क्रेडिट भाई को जाता है, काफी अमेजिंग थीम बनाई है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसे फुली अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे आपको कुछ ऐसी लुकिंग पहले देखने को मिलेगी। आपको जो लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पे ऐसी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे जो सारा सेटअप करना पड़ेगा सो मैं आपको बता देता हूँ आपको सेटअप कैसे करना है। उसके लिए आना है आपको थीम स्टोर पे, दोबारा यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पे माई अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है लॉक स्टाइल पे। यहाँ पे आने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ ऐसी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इसमें आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे जो पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना होगा CAT। कैट लिखने के बाद आपको यहाँ पे 17 डाल देना है। जैसे आप ये लिखोगे ओके कर दीजिएगा, आपका यहाँ देखोगे पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे प्रीमियम फीचर्स सारे जो है अनलॉक हो जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो डायनेमिक आइलैंड आ चुका है। आपको यहाँ पे जो विजेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हो, आपको विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। सो आपके प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। उसके बाद अब मैं जो भी सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा, आपका सारा सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है और आपको देखिएगा आपको यहाँ पे जो है
ओपन स्क्रीन और एनिमेशन फॉर द लोअर वॉलपेपर ऐसा कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, ये सब ऐसे देखने को मिल जाती है सेटिंग। तो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन टाइम एनिमेशन को ऑन कर देना पहले। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज टाइम एंड डेट कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे ऑफ रखिएगा। सुपर स्मार्ट आइलैंड स्विच को ऑन कर देना है, ये ऑन ही मिलेगा आपको। ये सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे ऑन रखना है, उसके बाद आप यहाँ पे इस ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑफसेट देखने को मिल जाता है, एक्स ऑफसेट। इसको आपको कैसे सेट करना है, अगर तो आपको यहाँ पे जो सेंटर में कैमरा आपको देखने को मिलता है सेंटर में है तो आपको इसे जीरो ही रखना है इस वैल्यू को, जो कि आपको ये देखने को मिलती है। अगर तो आपका यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड कैमरा है तो आपको -300 वैल्यू को फिल कर देना है यहाँ पे। अगर आपका राइट हैंड साइड पे है तो आपको +300 वैल्यू को फिल करना है। ये जो आपका डायनेमिक आइलैंड पे लॉक, जो आपका लॉक स्क्रीन पे डायनेमिक आइलैंड शो होगा उसके लिए आपको ऑफसेट सेट करना पड़ता है। तो आपको ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स देखने को मिलती है। आपको ये जो डेट स्टाइल फिक्स कस्टम टेक्स्ट देखने को मिलता है इस पे क्लिक करके आपको अपना नेम यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐसे अपना नेम ऐड करके ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये इमोजी विजेट्स देखने को मिलते हैं, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे और भी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हो म्यूजिक कंट्रोल स्विच को आपको यहाँ पे ये ऑन कर देना है, इसे भी ऑन रखना है, यहाँ पे इसे भी ऑन कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे म्यूजिक स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे क्लिक करके आप म्यूजिक के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे ओल्ड स्टाइल रखना चाहते हो ओल्ड स्टाइल कर सकते हो, न्यू स्टाइल रखना चाहते हो न्यू भी रख सकते हो। उसके बाद दोबारा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको और भी सेटिंग देखने को मिलेंगी। जैसे स्टैंड बाय मोड स्विच देखने को मिलता है आपको 11th नंबर पे, ये सेटिंग देखने को मिलेगी। इसे भी आपको क्या करना है, यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंड बाय मोड के स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो आपको 6 स्टाइल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे FAOD मोड स्विच देखने को मिलता है, यानी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है उसे आपको यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को भी ऑन रखना है, थर्ड ऑप्शन को ऑफ रखिएगा। आप यहाँ पे देखोगे आपको जो AOD टाइम स्टाइल है वो यहाँ पे 4 देखने को मिल जाएंगे, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे आप ये डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वहीं से सिलेक्ट कीजिएगा। आप देखोगे आपको यहाँ पे उसके बाद 13 नंबर पे सेटिंग देखने को मिलेगी फोकस मोड की, इसे भी आपको ऑन कर देना है। और जो आपको यहाँ पे हार्ट आइकन भी टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना नेम ऐड कर देना है। अपना नेम ऐड करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप देखोगे आपको और भी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। कंट्रोल सेंटर स्विच की सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, इसे भी आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे जो स्टेटस बार कस्टम नेटवर्क टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें क्लिक करके जो भी आपका सिम का नेटवर्क होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मेरा यहाँ पे VI इंडिया है तो मैं यहाँ पे VI इंडिया फिल कर देता हूँ। वो आपको जो है यहाँ पे ये जो लॉक स्क्रीन पे आपको कंट्रोल सेंटर शो होता है उसमें आपको ये शो होगा, तो आपको इसे ऐसे रख लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको और भी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे आपको 19th नंबर वाली सेटिंग पे आना है, और ये जो आपको मैग सेफ चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलती है इसे भी आपको यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको इस ऑप्शन को भी ऑन रखना है, डबल क्लिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्क्रीन टू स्विच वॉलपेपर। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे जो 20th नंबर पे सेटिंग्स देखने को मिलती है वो डेस्कटॉप यानी आपकी होम स्क्रीन की सेटिंग्स देखने को मिलती है। और ये जो सेटिंग्स करोगे इसे करने के बाद आपको एक बार अपनी जो डिवाइस है उसे लॉक करना पड़ेगा, और दोबारा अनलॉक करोगे तो ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी आपकी होम स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली सेटिंग को यहाँ से ऑफ रखना है, सेकंड वाली सेटिंग यानी जो डॉक बार देखने को मिलता है इसे इनेबल कर दीजिएगा, और डॉक बार की पोजीशन को आप अपने ऐप्स के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन से। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन यानी आपको देखने को मिलता है, और आप ओपेसिटी को भी सेट कर सकते हो यानी जो भी उसकी ट्रांसपेरेंसी जैसी भी रखना चाहते रख सकते हो, और जो आपका होम स्क्रीन का वॉलपेपर है उसे आप यहाँ से ब्लर भी कर सकते हो। तो आपको यही कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हो बस यही कुछ सेटिंग्स है। उसके बाद आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे आओगे तो आपका सेटअप हो जाएगा। जैसे कि मैं लॉक करूंगा यहाँ पे, तो दोबारा अनलॉक करता हूँ तो आप देखोगे आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉक स्क्रीन पे आने की। तो लॉक स्क्रीन पे जैसे ही आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे डबल टैप करना है तो आप देखोगे आपको यहाँ पे डेली वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं, जो डे बाय डे आपके अनलॉक होंगे, और नीचे आपको यहाँ पे जो लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले इन लाइव वॉलपेपर को यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे लाइव वॉलपेपर को ऑन करोगे तो आपको सेकंड वाला वॉलपेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इसमें आपको डायनेमिक एनिमेशन देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हो ऐसी कुछ एनिमेशन आएगी जो कि काफी अमेजिंग देखने को मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे जो अप्लाई वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो भी आप यहाँ पे वॉलपेपर के सेक्शन में वॉलपेपर को सिलेक्ट करोगे वही वॉलपेपर आपको ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे भी सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप ये वाले वॉलपेपर यूज करना चाहते हो लॉक स्क्रीन पे तो आपको लाइव वॉलपेपर को यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। जो आपको ये वाली सेटिंग देखने को मिलती है लाइव वॉलपेपर ऑन, इसे आपको यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला वॉलपेपर यहाँ पे अप्लाई होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर अप्लाई हो चुका है। अगर आप लाइव वॉलपेपर को ऑन कर देते हो तो आपका ये वाला वॉलपेपर ऑफ होकर लाइव वॉलपेपर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर ही लॉक स्क्रीन के लिए यूज करना है, और यहाँ पे होम स्क्रीन के लिए आप ये वाला वॉलपेपर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे वॉलपेपर सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। काफी अमेजिंग सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। उसके बाद दोबारा
यहाँ पे डबल टैप करोगे लॉक स्क्रीन पे आके, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे फोल्डर वॉलपेपर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे सेट करना है, पहले बाकी सेटिंग्स देख लीजिए। यहाँ पे विजेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे आपको ऑन कर देना है तो आपको यहाँ पे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो कि आप देखोगे आपको यहाँ पे इमोजी वाला विजेट अगर सेलेक्ट करना चाहते हो ये सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ऊपर आप देखोगे आपको क्लॉक के भी काफी स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो भी स्टाइल आप यहाँ से रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये वाला विजेट देखने को मिल जाता है जो कि आपका टाइम स्टाइल विजेट होता है, यानी आपका फोन स्टाइल विजेट जो आप कह सकते हो। इसे आपको यहाँ पे अपने नेम वाला विजेट अगर रखना है तो आप ये वाला विजेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फोन नंबर वाला। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे ये कुछ सेटिंग देखने को मिल जाती हैं, और आप यहाँ पे जब स्लाइड डाउन करोगे तो आप देखोगे आपको ये कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अमेजिंग है यहाँ पे। और आप देखोगे आप यहाँ से स्लाइड डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ये स्टैंड बाय मोड देखने को मिलेगा। अब आपको इसे क्रॉस करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ये स्टैंड बाय मोड के जो स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, डबल टैप करके इसे चेंज कर सकते हो जो कि काफी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्वाइप अप करोगे तो आप अपनी लॉक स्क्रीन पे आ जाओगे, दोबारा स्वाइप अप करोगे तो आप यहाँ पे डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। और एओडी मोड के लिए जब आप यहाँ पे बीच में डबल टैप करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ऐसा कुछ एओडी मोड देखने को मिलेगा, इस पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे एओडी मोड देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे नीचे जो टॉगल देखने को मिलता है इस पर डबल टैप करके इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे चार स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल को रख रहा हूँ, और आप यहाँ पे देखो डबल टैप करोगे तो दोबारा लॉक स्क्रीन पे आ जाओगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी आप यहाँ पे डबल टैप करके एओडी मोड में आते हो तो ऊपर आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड में ऐसा कुछ लॉक का आइकन देखने को मिलता है, और जैसे ही डबल टैप करके अनलॉक करोगे आपको यहाँ पे अनलॉक का आइकन देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अमेजिंग है। और जब भी आप यहाँ पे कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो तो आप देख सकते हो आपको होम स्क्रीन पे ऐसा कोई डायनेमिक आइलैंड शो हो जाता है जो कि आपको यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और आपको ये वाला जो आइकन देखने को मिलता है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो जो कि काफी अमेजिंग है। और लॉक स्क्रीन पे आपको ये म्यूजिक कुछ ऐसा शो हो जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको ऐसा स्टाइल शो होगा, इसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताई दिया कैसे चेंज करना है। और आप यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करके इसके फुल पेज को ओपन कर सकते हो, दोबारा इस फोटो पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ऊपर देखोगे आपको यहाँ पे भी डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये भी आपको वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अमेजिंग है यहाँ पे। और इस डायनेमिक आइलैंड में आपको नोटिफिकेशन और आपकी चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलेगी, जो कि चार्जिंग एनिमेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक करवा दी थी, अभी भी मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। तो चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पे चेक करोगे आपको कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, स्टैंड बाय मोड अपने आप आपका ऑन हो जाता है जैसे चार्जर से कनेक्ट करते हो, और आपको यहाँ पे मैगसेफ चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है। और आपको ऊपर यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड में भी चार्जिंग शो होगी जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसी शो हो जाएगी, काफी अमेजिंग आपको थीम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर को कैसे सेट करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे टेलीग्राम पे डायरेक्टली आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद मेरे चैनल का नेम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जो कि आपको ये देखने को मिलता है। सर्च करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पे जो है थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको डेप्थ लिख के सर्च कर लेना है, जो कि आप देखोगे आपको यहाँ पे डेप्थ लिखना है, आपको ऐसे सर्च कर देना है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे ये फाइल देखने को मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हो, आपको जिप फाइल देखने को मिलेगी जो कि मेरे नाम से ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है पहले। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव टू डाउनलोड इसे कर लेना है। जैसे आप सेव टू डाउनलोड करोगे आपकी ये जो फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये जो फाइल है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये फाइल आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो कि आप देख सकते हो शालीन वॉलपेपर्स नेम का फोल्डर देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको ये सारे जो वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है मेन पेज पे, ये इंटरनल स्टोरेज के मेन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर बनाना होगा जिसका नेम आपको यहाँ पे ये रखना है जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये नेम देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे जो है अंडरस्कोर लगाना है पहले, उसके बाद NVX कैपिटल लेटर में लिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे UI स्मॉल लेटर में लिखना है और 14 लिख देना है, ऐसा फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, जो फोल्डर आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया है जो कि आपको यहाँ पे ये वाला फोल्डर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे ये वाला फोल्डर, इसके अंदर जितने भी वॉलपेपर्स हैं इन सभी को सिलेक्ट ऑल कर लेना है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मूव पे क्लिक कर देना है। मूव पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है और जो न्यू फोल्डर अभी आपने क्रिएट किया है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सारे वॉलपेपर्स को पेस्ट कर देना है। सो जैसे ही आपके ये वॉलपेपर्स पेस्ट हो जाएंगे अब आपको आ जाना है लॉक स्क्रीन पे। तो लॉक स्क्रीन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे डबल टैप करना है और आपको यहाँ पे फोल्डर वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। सो आपके ये वॉलपेपर यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। अब आप इन एरोस पे क्लिक करके यहाँ पे वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पे वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे। कुछ वॉलपेपर्स यहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट वाले देखने को मिलते हैं,
मिलते हैं, कुछ विदाउट डेप्थ इफेक्ट के भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी वॉलपेपर आप इनेबल करना चाहते हो कर सकते हो, और नीचे आपको यहाँ पे स्लाइडर्स देखने को मिल जाते हैं, इससे आप जो है क्लॉक के स्टाइल को यहाँ पे यानी जो क्लॉक का कलर है उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि आपको काफी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसा भी आप रखना चाहते हो अपने लॉक स्टाइल को यहाँ से कर सकते हो, काफी अमेजिंग आपको ये थीम देखने को मिल जाती है। जो भी वॉलपेपर रखना चाहते हो यहाँ से रख सकते हो, आप देख सकते हो इजिली यहाँ पे वर्किंग है। अदरवाइज आप यहाँ पे जो है अपनी लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे डबल टैप करके भी वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे डबल टैप करोगे नेक्स्ट वॉलपेपर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे डबल टैप करोगे आपका प्रीवियस वॉलपेपर यहाँ पे आ जाएगा। सो काफी अमेजिंग आपको ये थीम देखने को मिलती है, जैसा भी आप रखना चाहते हो अपने लॉक स्क्रीन को रख सकते हो यहाँ से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।